क्वेश्चन नंबर है आपके 15वां, 210, 15/32 भाग 879। अब ये ध्वजांग विधि द्वारा करना, अभी अपने परावर्तन विधि द्वारा किया, ये ध्वजांग विधि। ये सवाल रह गया था, ध्वजांग विधि द्वारा अपन करेंगे। ध्वजांग विधि द्वारा करने का जो प्रोसेस है, भाग करते वैसे के वैसे इसके तीन खंड करने, ये तीन खंड हो गए। उसके पश्चात क्या करना, देखो इसका जो इकाई अंक है इसको मुख्यांक के रूप में ऊपर लिखना और बाकी जितने भी अंक बचे उसको यहां नीचे लिखना, ये ध्वजांग का काम है। तो ये मुख्यांक है और ये ध्वजांग। मुख्यांक में एक अंक है तो एक अंक इधर वाला जो इकाई अंक है इसको बाहर रखना तृतीय खंड में, बाकी अंकों को मध्य खंड में लिखना, 2, 1, 0, 1, 5 और ये 3। और यहां पर लाइन खींचना, लाइन खींचने के पश्चात लाइन खींचने के पश्चात देखिए, 2 में 87 का भाग जाता नहीं, 21 में जाता नहीं, तो 210 में पहले 87 का भाग देना। तो 210 में 87 का भाग देना है, तो पहला अपना जो स्टार्ट हो जाएगा 210 भाग 87। अब 210 में 87 का भाग देना है तो इसको अपन 87 को 2 से गुणा कर लेते हैं, पहले 14, 1, 16 और 1, 17, 174। यानी लगभग इसके अंदर 87 के भाग 210 में 2 बार जाएगा, तो यहाँ 2 लिखा और 210 में से जो ये भाग दिया है 174 ये घटा देंगे, यानी शेषफल कितना बचेगा 36। देखिए पहले भाग दिया 210 में 87 का, 2 बार गया, 2 को यहाँ लिखा जिसका भाग दिया, और जो शेषफल बचेगा शेषफल को यहाँ आगे लिखना, यहां पर 210 के बाद में शेष पर जैसे 36 है तो ये अब ये 361 हो जाएगी, ये ध्यान रखना। तो यहां आप लिख सकते हैं विधि के रूप में, देखिएगा भागफल 2 शेष फल ये 36। उसके बाद में दूसरा जो प्रोसेस है वो हर सवाल में आगे की ओर करना है, एक बार डायरेक्ट भाग देना, उसके बाद डायरेक्ट भाग नहीं देना 361 में, 361 तो हो गया, ये 36 शेष पर लगते हैं, ये 361 तो डायरेक्ट भाग ना देके इसका संशोधित भाज्य निकालेंगे, 361 का संशोधित भाज्य निकालेंगे। तो संशोधित भाज्य निकालने का तरीका फिक्स है, इस मुख्यांक का जो ये भागफल है इसे गुणा करेंगे, 9 का 2 से गुणा करेंगे, तो 9 का 2 से गुणा करेंगे, -9 × 2, तो यहाँ हो जाएगा 361 - 18। इसको घटाने के बाद जो उत्तर आएगा वो हमारा तीसरा प्रोसेस हो जाएगा, तो 11 में से 8 गए 3, और यहाँ बचेंगे 5, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ 3 के 3। अब हमारे पास संशोधित भाज्य 343 है, न कि 361। ये जो 343 आया है इसमें पुनः अपन 87 का भाग देंगे, तो 87 का भाग अपन देते हैं कितनी बार जाएगा लगभग अपन देख लेते हैं, जैसे 87 का 4 से गुणा कर लेते हैं, पहले तो 5 चौक 28, आसल के 2, 32 और 2, 34। देखिए इससे ज्यादा हो रहा है, तो 4 बार तो 87 का भाग 343 में जाएगा नहीं, तो 3 बार जाएगा, तो हम यहाँ पर 3 बार भाग देते हैं, तो 343 का हम 3 से गुणा करेंगे, 87 का 3 से गुणा करेंगे, 21, 2, 26, 261। यानी कि यहाँ पर अपन ने 3 लिखे, यानी 3 बार भाग गया तो भागफल तो 3 आया। अब शेष फल निकालना है तो 343 में से 261 अपन घटाएंगे, 3 में से गया 2, और यहाँ 14 में से 6 गए 8, और यहाँ 3 में से यहाँ 3 1 उधार ले गया, 2 में से 2 गए 0, तो 82 बचेंगे, तो शेष फल अपने बचेंगे 82। जो शेष फल 82 बचे हो इसको यहाँ उतार देंगे,
अब ये बन जाएंगे आपके 825। अब 825 में अपन भाग देंगे नहीं, 825 में भाग देंगे नहीं, क्योंकि इसका संशोधित भाज्य निकालना पड़ेगा। तो 825 लिखा यहां, फिर माइनस का निशान, जो उत्तर आया है 9 का 3 से गुणा करेंगे, 9 × 3 का गुणा करेंगे तो 825 माइनस 27 करेंगे तो यहां बचेंगे 798। ये संशोधित भाज्य आया। संशोधित भाज्य आने के बाद में 798 में हमें भाग देना है 87 का। अब 87 का भाग हम हाइएस्ट कितनी बार दे सकते हैं, 9 बार। तो 9 बार दे के देखते हैं, यहां पर 87 × 9 7 × 63 6 × 8 72 74 78 78 783, यानी 9 बार पूरा का पूरा जा रहा है तो यहां 9 लिखना। अब शेषफल कितने बचेंगे, यहां तो भागफल आ गया आपका 9। अब शेषफल निकालने हैं तो शेषफल जो ये उत्तर आया है 798 में से 783 घटा देंगे, 8 में से 3 गए 5, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 7 गया 0, यानी शेषफल बचेगा 15। तो शेषफल यहां लिख दिए 15। इस 15 को हम आगे उतार देंगे, ये हो जाएंगे 153। अब 153 का हमें संशोधित भाज्य निकालना है, तो 153 का संशोधित भाज्य मैं यहां निकाल देता हूं। माइनस, देखिए 9 का 9 से गुणा करेंगे तो 9 का 9 से गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा 153 माइनस 81। इसको घटा देंगे यहां पर, ये 7 नंबर में प्रोसेस लगा देता हूं, ये घटाएंगे 3 में से ये गया 2 और ये 15 में से 8 गए 7 और ये 0 यहां। तो यहां अपने पास में संशोधित भाज्य जो मिला अपन को मिला 72। संशोधित भाज्य क्या मिला, 72। ये संशोधित भाज्य 72 मिला, इसमें देना है 87 का भाग। अब बताया कि 87 का भाग 72 में तो जाएगा नहीं, 87 बड़ी संख्या है, 72 छोटी संख्या, तो भाग जाएगा नहीं, तो यहां भाग टूट जाएगा। जो 72 जो शेष बचे उसको यहां लिख देंगे। अब अपने भाग दिया नहीं, अब ये अपने को यह 722 ये नया भाज्य प्राप्त हुआ, इसका संशोधित भाज्य निकालेंगे। नया भाज्य जो प्राप्त हुआ इसका संशोधित भाज्य निकालेंगे तो देखिएगा 722 माइनस 0 का 9 से गुणा करेंगे तो 722 माइनस 0 बराबर 722। अब यहां पर बचेगा उसके अंदर आगे अपन को भाग देना नहीं है 87 का, क्योंकि यहां जो बचता है वो शेषफल बचता है। तो यहां पर ये हमारा ये भागफल आ जाएगा, यहां शेषफल आ जाएगा, इस प्रकार हमारा उत्तर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये तरीका है कि संशोधित भाज्य निकालने के बाद में भाग देना, पहला भाग तो डायरेक्ट देना है, उसके बाद जो भी भाग देंगे वो संशोधित भाज्य निकालने के बाद देंगे। अगर भाग उसमें नहीं जाता है तो संख्या को आगे उतारना, और यहां पर जब संख्या आ जाती है तो उसको शेषफल कहते हैं, तो यहां शेषफल लिखना। ठीक है, इस प्रकार ये इसका उत्तर निकल गया है। भागफल आया 2390 और शेषफल आया 722। इस प्रकार ये उत्तर निकल गया। इस प्रकार ये अध्याय एक वैधिक गणित अपना पूरा हुआ। सब प्रकार के सवाल मैंने करवा दिए, कुछ भेजे थे सब प्रकार के। अब यहां पर अपन नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सूत्र प्रावर्त्य योजित विधि। सूत्र प्रावर्त्य योजित विधि से भाग। इसके लिए मैं सवाल लेवल ले रहा हूं आपके 16वां, 1154 भाग 103। ध्यान दीजिएगा, अब विधि चेंज होगी, दर्जान विधि नहीं है, विधि चेंज है। अब ये लास्ट सवाल है आपका वैधिक गणित का, बाकी सब वैधिक गणित के सवाल हो गए, ये लास्ट क्वेश्चन है 1154 भाग 103, वही तरीका। अब यहां पर जब सूत्र प्रावर्त योजित और निकलम विधि से भाग सेम विधि है, विधि को करने का प्रश्न जैसे आपने निकलम विधि में भाग दिया था, इसी प्रकार सूत्र प्रावर्त्य योजित में भाग देना है। अब देखिए ये आधार 100 के नजदीक है, ये आधार 100 है इसमें, तो विचलन कितना होगा, 0.3। यहां विचलन निकालना पड़ेगा, विचलन होगा 0.3। यहां पर इसके तीन खंड करना, जैसे अभी आपने ध्वजांग में किया था वैसे के वैसे ये तीन खंड करने, यहां ये मध्य खंड और ये तीन खंड हो गए। उसके बाद में यहां देखिएगा, ये इस 103 जिसका भाग देना उसको यहां लिखना है जैसा का जैसा,
जिसका भाग देना है उसको पूरा का पूरा लिखना। अब वितरण कितना आया 0-3, लेकिन यहां पर -0-3 लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। सूत्र प्रवृत्ति होते में विचलन धनात्मक है, लेकिन यहां पर माइनस में लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। यहां पर किसमें लिखना पड़ेगा? माइनस में। तो यहां पर माइनस में, यहां कितने अंक है? आधार 100 में 2 0 है। अब यहां 2 अंक बाहर लिखना है, यहां 5 और 4, ये 2 अंक बाहर लिखना। और अंदर क्या रखेंगे? 2 अंक, ये 2 अंक अंदर लिखना और यहां लाइन खींचना। अब इसको ये जमाने का तरीका है सवाल को, सवाल को इस प्रकार जमाना। पहले क्या करना है? आधार 100 लेना, विचलन निकालना, जिसका भाग देना है 103 यहां लिखना, जिसका भाग देना है उसको लिखना 0-3, विचलन लिखना माइनस में। वहां धनात्मक है लेकिन यहां माइनस में लिखना। आधार 100 में 2 0 है तो 2 अंक, ये 2 अंक यहां बाहर लिखना तृतीय खंड में 2 अंक, और मध्य खंड में लिखना 1-1, ये मध्य खंड में लिखना। फिर यहां पर ये जो पहले वाला अंक है ये उतारना, इसका गुणा इससे करना, इसका गुणा ये पहले है जैसे कि जैसे उतारना, इसका गुणा इससे करेंगे तो ये उत्तर माइनस में ही है, ये 0 ये 3, ये माइनस में। फिर यहां 1 लिखना, फिर 1 का गुणा इस 0-3 से करना। अब यहां 0-3 क्यों लिया? क्योंकि आधार 100 में 2 अंक थे इसलिए 0-3 यहां बना के लिखा है। अगर 2 अंक 13 होते डायरेक्ट 13 लिख सकते थे, 14 होते डायरेक्ट 14 लिख सकते थे, तो इसको बना के लिखा है यहां। अब यहां पर 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गए 2, अब ये डायरेक्ट उत्तर आ गया आपका, भागफल आपको 11 मिला और शेष फल 21। ये उत्तर आ गया, भागफल 11 और शेष फल 21, डायरेक्ट उत्तर। इसमें सूत्र प्रवृत्ति युद्ध स्थिति बिल्कुल इजी है। इसका एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक सवाल ले रहा हूँ, और उस सवाल में बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, आपको खुद को करने हैं। मैं लिख रहा हूँ श्यामपट के ऊपर कुछ सवाल, ठीक है कि नहीं? इसके सूत्र प्राप्ति योजन की आपको करके लाने हैं, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे श्यामपट के ऊपर, यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ सवाल दे रहा हूं मैं। फटाफट नोट करिए, 13-58 भाग 113, एक और सवाल दे रहा हूं, 18वां 1432 भाग 88, ये 2 सवाल है। और सूत्र ध्वजांग विधि थोड़ा देखना घर जाके, और नहीं समझ में आए तो मेरे पर पर्सनल बात करना, मैं कल वापस उसको समझा दूंगा थोड़ा ध्यान से। आज इतना ही, कल और नया टॉपिक लेंगे अपन, तब तक के लिए धन्यवाद।